कठुआ में 8 साल की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में सभी आरोपियों को आज जिला अदालत के समक्ष पेश किया गया है। सुनवाई के बाद अभियुक्तों के वकील अंकुर शर्मा ने कहा, न्यायालय ने निर्देश दिया है कि सभी आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी दी जाए। हम नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। बता दें कि ये सुनवाई 8 आरोपियों के खिलाफ की गई, जिन पर 8 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने का आरोप लगा है। आरोप है कि उन्होंने 8 साल की बच्ची को जनवरी में अगवा किया और एक सप्ताह तक मंदिर में बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। वहीं पीड़िता की वकील दीपिका सिंह रजावत ने अपने साथ रेप या हत्या कराए जाने की आशंका जताई है। उन्होंने जम्मू कश्मीर से बाहर केस ट्रांसफर करने की मांग की है। फिलहाल इस केस की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज़।